पेपर बचा है? माँ सिर्फ एक फाइनल पेपर बाकी है, वो परसों है। अच्छा हुआ आयु बिटिया ने तुमको लैपटॉप दे दिया और तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो रही है। हाँ माँ, और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी ख़त्म कर ली, अब बस परसों परीक्षा देना है, तो उस दिन पूरा दिन के लिए लैपटॉप चाहिए होगा, तो मैं आज रात को ही चार्ज पे डाल दूंगी। अच्छा बेटा, आज रात को मैं नहीं आऊंगी घर। क्यों? क्या हाल है बढ़िया? आज मेरे मालकिन की छोटी बहन की शादी है, तो उन्होंने मुझे रात को काम करने के लिए रुकने को बोला है। हाँ माँ, तो मेरे लिए ना खाना लेकर आना मत भूलना। अरे हाँ बाबा, मैं तेरे लिए मालकिन से मांग के लाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटा, तू बैठ के आराम से पढ़ाई कर और अपना ध्यान रखना, ठीक है? मैं जाती हूँ। बाय माँ। अरे वाह, इतना बढ़िया लैपटॉप कब लिया? अरे अरे, लैपटॉप लिया नहीं, ये मुझे मेरी सहेली ने दिया। आजकल लोग हमें बहुत चीजें देते हैं। मेरी मम्मी की मालकिन ने मेरे लिए एक नई साइकिल भिजवाई। हाँ सच्ची? चल राउंड लगाते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन एक मिनट रुक। नहीं नहीं चल चलते हैं। अरे लेकिन बाद में कर लेना, चल। अरे रुक तो सही। अरे फिर मेरा भाई आएगा, राउंड लगाने नहीं मिलेगा। मैं इसको रख देती हूँ। चल 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 चल। अरे मास्क तो पहने दे। कहाँ है मानसी तेरी साइकिल? ये रही। वाह यार, मानसी तेरी साइकिल कितनी ब्यूटीफुल है। हाँ चल, हम लोग इसमें राउंड लगाते हैं। ठीक है, तेरी साइकिल तो तू पहले लगा, फिर मुझे भी लगा देना। हाँ ठीक है। अरे अरे संभाल के। अरे बस कर, अब मेरी बारी। अच्छा ठीक है, ले ले। और मुझे प्यास लगी, मैं पानी पी के आती हूँ। ठीक है, फिर मैं एक और राउंड लगा लूंगी। ठीक है। ज्यादा ही देर नहीं लगा ली तूने मानसी। अरे अच्छा हुआ ना, तुझे चार राउंड लगाने मिल गए। वो तो है, लाभ मुझे दे। अच्छा हाँ, पता है तेरे घर का दरवाजा खुला हुआ था क्या? सच्ची? मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, सब सामान उनके जगह पर है कि नहीं। ठीक है। अरे लैपटॉप तो मैंने यहाँ पे ही रखा था, कहाँ? ये तो कहीं पे भी नहीं मिल रहा लैपटॉप। लगता है मेरा लैपटॉप घूम गया। कितना महंगा लैपटॉप था, अगर मम्मा को मैं बताऊं तो बहुत गुस्सा करेंगे। कितना महंगा लैपटॉप घूम गया था। परसों ही मेरा एग्जाम है, क्या करूं? ओह नो, क्या होगा? लगता है दरवाजा खुला था ना, मानसी बोल रही थी उसी ने चुराया होगा, मैं उसी से पूछती हूँ। मानसी मानसी, एक सेकेंड रुक। क्या हुआ, एक और राउंड लगाना है क्या? नहीं, मेरा लैपटॉप घूम गया, मुझे लगता तूने ही चुराया होगा, तुझे ही पसंद आ रहा था। अरे मैंने चुराया थोड़ी है, क्या बोल रही है तू? अरे तू तो सुबह बोल रही थी तेरे को बहुत पसंद आ रहा था, इसलिए चुराई। तू चल ना, देख ना तू। एक मिनट, तो इधर आ मानसी, तो इधर आ। मैंने इधर लैपटॉप रखा था, फिर तू इधर आई, मैंने लैपटॉप लेके छुपा दी। मुझे पता है, तू मुझे झूठ मत बोल। अरे ना तू पागल हो गई है, मैंने चुराया, तेरा दिमाग खराब है क्या? मैं आपको दिमाग में खराब नहीं हूँ, मुझे मत बोल। मैं जानती हूँ तूने बोला था कि दरवाजा खुला है, लेकिन वो बंद था जब मैं आई, वही तू पकड़ी गई। देख रहा, तेरा ज्यादा हो रहा है। जब मैं आई तो दरवाजा खुला था, फिर जब मैं गई तब मैंने नहीं देखा। तू आई थी और तू बोली थी कि तू पानी पीने गई। इतना टाइम थोड़ी लगता है किसी को पानी पीने में। तू मुझे बता, सच सच बता, कहाँ रखा है तूने पानी? पीने में इसलिए देर लगी क्योंकि एक बर्तन बेसिन में गिर गया था, उसको धोकर आने में टाइम लगा।
अरे मानसी प्लीज समझ, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरा पैर पकड़ती हूँ, प्लीज मुझे। अरे मैं तुझे क्या कर रही है, मैंने नहीं देखा तेरा लैपटॉप, यही कहीं होगा देख। यार मानसी तू समझ बिल्कुल नहीं पा रही, परसों ही मेरा एग्जाम है, अगर मैं नहीं दूंगी तो फेल हो जाऊंगी, इतनी मेहनत से मैंने अभी तक इतना सारा एग्जाम दिया, ये फाइनल अगर नहीं दूंगी तो समझ ना प्लीज मानसी प्लीज। परसों तू लैपटॉप रख लेना, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बस प्लीज मेरा लैपटॉप लौटा दे प्लीज। देख तुम्हारा दिमाग खराब मत कर, मुझे नहीं पता तेरा लैपटॉप का, मैं जा रही हूँ। अरे अनु तू रो क्यों रही है? दीदी वाला आप यहाँ कैसे आए? दरअसल बात यह है ना कि बाबा को मुंबई ऑफिस से कुछ पेपर्स कलेक्ट करने थे, तो मैं सोची मैं भी उनके साथ आ जाऊंगी, तुझसे मिल लूंगी। फिर ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं ना, एक एग्जाम बाकी है ना। नहीं हो पाएगा दीदी। नहीं हो पाएगा क्यों? क्योंकि दीदी मेरा लैपटॉप चोरी हो गया। चोरी हो गया कैसे? अरे दीदी मैं पढ़ाई कर रही थी तभी मानती मुझे साइकिल के लिए बुलाई, मैं दरवाजा खुला छोड़ दी, गवर्नमेंट ऑफिसर है तो उनकी पुलिस वालों के साथ जान पहचान है, शायद वो कुछ मदद करे। रुको मैं इनको कॉल करती हूँ। हेलो पापा, पापा जो मेरी दोस्त है ना जिसको लैपटॉप दिया था उसका लैपटॉप चोरी हो गया। अरे पापा उसका एग्जाम है परसों, कुछ करो ना आप, पुलिस वालों से बात करो ना, देखो ना कुछ। हाँ मैं पूछ लूंगी लेकिन आप जरूर ट्राई करना। ठीक है बाय पापा। क्या बोला दीदी आपके पापा ने? उन्हें कहा कि अगर कोई इसी एरिया का चोर है तब एक घंटे में ही मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो शरीफ है तो फिर बहुत मुश्किल रहेगा क्योंकि अभी किसी पे भी इल्जाम नहीं डाल सकते हैं। शरीफ क्या होता है? जैसे कि कोई आसपास रहने वाला रिश्तेदार दोस्त, लेकिन इन पे इल्जाम डालना मुश्किल है क्योंकि हमें पता नहीं कौन है। मानसी चोर है, मेरा लैपटॉप उसी ने चुराया था, वही मुझे साइकिल के लिए बाहर लेके गई थी, फिर पानी पीने के बहाने इधर आए थे, मेरा लैपटॉप चुरा ली होगी, फिर मुझे बोलती कि मैं इतना दरवाजा खुला रखी थी लेकिन उसने वही गई थी, दरवाजा बंद कर दी गई थी, इसलिए मुझे 100% पता है वो चोर है। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा उसको बुलाओ मैं उससे बात करती हूं। हाँ मैं बुलाती हूँ। तू आ, ये रही मानसी। मानसी जबरदस्ती बोल दो मैंने लैपटॉप लिया है जब मैंने लिया ही नहीं। तो फिर और किसने लिया? तू ही तो घर पे आई थी, और कोई नहीं आया था, लैपटॉप तूने देखा था ना? हाँ तब देखा था, उसके बाद नहीं देखा। देखो मुझे सब बता दिया, तो जिसने लैपटॉप लिया होगा उसने बंद कर दिया होगा जाते वक्त। अब मैं क्या करूँ, मैं एग्जाम कैसे दूंगी लैपटॉप के बिना, मैं तो फेल हो जाऊंगी। किसी ने सही कहा है, गरीबों की किस्मत में गरीबी ही लिखी है। अरे अनु रो मत अनु यार, कोई बात नहीं, हम लोग कुछ जुगाड़ निकाल लेंगे, मैं कैसे भी करके तेरी परीक्षा लिखवा लूंगी, तू चिंता मत कर यार। अनु रो मत यार। अरे क्या हो गया अनु, क्यों रो रही है? आयु बेटा तुम दिल्ली से कब आई? आंटी मैं आज सुबह की फ्लाइट से पापा के साथ आ गई, शाम को जा रही हूँ। अच्छा हुआ मुझे मेरी मालकिन ने छुट्टी दे दी, वरना मैं तो आज आने वाली ही नहीं थी, और कल मैं आती तो तुमसे मुलाकात भी नहीं होती, उससे मुझे बहुत दुख होता। तुमने मेरी बेटी की पढ़ाई में इतनी मदद की है, बस उसका परसों का एक पेपर हो जाए उसके बाद उसका मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा। सोचो जब एक बर्तन मांजने वाली नौकरानी की बेटी एक डॉक्टर बन के आएगी उसको कितना गर्व होगा। आंटी मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ा प्रॉमिस करो आप गुस्सा नहीं करोगे। नहीं नहीं बेटा मैं गुस्सा क्यों होगी, मेरी बेटी पढ़ने में इतनी होशियार है, मुझे तो उस पे गर्व है। माँ मुझे माफ कर देना, लैपटॉप चोरी हो गई है। लैपटॉप चोरी हो गया कैसे?
बेटा तू अपनी नहीं तो कम से कम आयुष दीदी के बारे में तो सोची होती। उसने तुमको दिया था लैपटॉप, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? सॉरी मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, अब मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, ठहरो। काम के लिए निकली और जैसे ही गली से बाहर गई मुझे पुलिस वाला दिख गया। पुलिस वाले को देखते ही मुझे याद आया कि मैं अपना मास्क भूल गई। मैं वहाँ से फिर से वापस आई तो देखी तो घर का दरवाजा खुला और इधर लैपटॉप पड़ा था। ये लड़की भी ना दरवाजा खुला छोड़ के बाकी सारी चीजें इधर बिखेर के गई। तो मैंने क्या किया कि लैपटॉप उठा के मैंने ऊपर रख दिया और अपना मास्क लेके मैं फिर से काम पे चली गई। चलो अच्छी बात है, तुझे लैपटॉप मिल गया, अब तू अपना परसों की परीक्षा दे पाएगी। I'm really sorry, मानसी, मैंने तेरे को बेकार में इतना बड़ा इल्जाम लगाया। कोई बात नहीं बेटा, गलती तो बच्चों से ही होती है ना। तू मेरी कितनी अच्छी दोस्त है, इधर तो मैं बहुत बुरी दोस्त हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं, थैंक यू मानसी।